बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप लोगों को मेरे चैनल मिस्टर आरिफ बाबा में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमने क्विकलैब का RDP किस तरह क्रिएट करनी है, और ये जो RDP है इसका रन टाइम 2 घंटा 30 मिनट है, और इसका जो रैम हमें मिलेगा 768 GB, 640 GB का मिलेगा, और इसकी जो स्पीड है वो 1 GB, 1.1, 1.2 GB इसका हमें स्पीड में रखा, जो इंतहाई अच्छा स्पीड है। और इसमें एक ही अकाउंट से बैक वक्त आप लोग 5-6-10 RDP क्रिएट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो RDP बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे आप लोग को मेरे चैनल नज़र आ रहा है, आप लोग इसका विजिट कर लीजिए। इसमें बहुत सी वीडियो RDP के बारे में अवेलेबल है, यूट्यूब के बारे में अवेलेबल है, और अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हो तो इधर ये एक वीडियो है, इसमें AWS फ्री RDP 12 मंथ के लिए। अगर आप इसमें अकाउंट बनाते हो तो आप 12 महीने इसको बिना किसी डिसकनेक्शन के यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मजीद नीचे आ जाते हो तो कुछ वीडियो बैंक फंड ट्रांसफरिंग के बारे में है, इस तरह आप लोगों ने बिल वगैरह किस तरह ऑनलाइन पे करना है। सो आप लोग मेरे इस चैनल का विजिट कर लीजिए। अगर आप लोग का मेरे ये चैनल पसंद आ जाता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहा उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप लोग को मिलती रहे। सो हमने अभी RDP क्रिएट करनी है, तो इसके लिए मैं एक न्यू टैब को ओपन करूंगा और इधर मैं सर्च बार में टाइप कर लेता हूँ क्विकलैब, और ये मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च में हमारे पास ये कुछ लिंक है, इसमें ये फर्स्ट वाला लिंक है क्विकलैब। सो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और आप लोग को पता है RDP या अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें एक ईमेल की जरूरत होती है। आप जीमेल भी यूज कर सकते हो, ईमेल भी यूज कर सकते हो, तो मैं इसमें TimMail यूज करूंगा। तो ये एक वेबसाइट है mail.tm, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इस वाला ये फ्री वाला जो मेल है मैं इसको इसमें यूज करूंगा। सो आप लोगों ने भी ये TimMail वगैरह अगर आप लोग चाहते हो तो TimMail यूज कर सकते हो, नहीं हो तो अपना जीमेल वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हो। सो मैं इधर से ये मेल को कॉपी करूंगा, जो कि हमें इस वेबसाइट से फ्री में प्रोवाइड होगा, ये मेल हमें प्रोवाइड हो गया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर। और ये इसका क्विकलैब का मेन पेज है, तो मैं इधर ये राइट साइड पे ऊपर में जो ब्लू बटन है ज्वाइन का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। हम पहले इसमें अकाउंट बनाएंगे। सो अकाउंट बनाने के लिए मैं TimMail यूज करूंगा। सो क्रिएट अकाउंट का ये एक फॉर्म है, हमने इसको फिल कर देना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी मर्जी का कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं ये फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ, TimMail का वही ईमेल में यूज कर रहा हूँ। कंपनी नाम भी कोई अपनी मर्जी का आप लोग टाइप कर ले, पासवर्ड अपनी मर्जी का आप लोग टाइप कर ले। मैं अपनी मर्जी का पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, दोबारा पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, और नीचे हमारे पास आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और बाईसाइकिल, इसमें कुछ साइकिल वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट करनी है। सो अब हमारे पास नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और हमें एक मैसेज मौसूल हुआ है, a message with the configuration link has been sent to your email address, please open the link to active your account। तो हमने अपना मेल चेक कर देना है, हमारे पास एक मेल आया होगा, ये आप लोग देख रहे हो क्विकली की तरफ से हमें एक मेल मौसूल हुआ है, हमने इस अकाउंट को एक्टिव करना है। सो मेल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेल मैंने ओपन कर लिया, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस ऑन क्विकली। तो नीचे हमारे पास ब्लू बटन है कंफर्म ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली कन्फर्म, प्लीज साइन इन। तो हमने इसको साइन इन करना है, ऑलरेडी ईमेल आया हुआ है, तो नीचे मैं सिर्फ पासवर्ड टाइप करूंगा, तो मैं अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ और साइन इन के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमारा अकाउंट साइन इन हो चुका है। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है RDP यूजर, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि मैंने इस अकाउंट के लिए यूज किया था, और नीचे हमारे पास 0 क्रेडिट है, तो अभी हमें फ्री क्रेडिट की जरूरत है। तो फ्री क्रेडिट हमने किस तरह हासिल करना है, इसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इधर से फिर से मैं टाइप कर लेता हूँ क्विकलैब, और अभी जो हमारे पास ये सेकंड वाला लिंक है इसमें क्विकलैब फ्री, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इधर से कुछ चैलेंज हमें मिलेगा, उसको हमने कंप्लीट करना है, तो फिर हमें फ्री क्रेडिट मिलेगा। स्टार्ट योर स्किल चैलेंज टुडे,
सो एक्सेप्ट द चैलेंज, ये बटन है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और स्टार्ट योर स्किल चैलेंज टुडे। तो नीचे हमारे पास स्टार्ट चैलेंज का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसको हमने जल्दी जल्दी फिल कर देना है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। आप लोग भी अपनी मर्जी का इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। ईमेल में वही वाला यूज करूंगा, ये मैंने पेस्ट कर लिया। जॉब टाइटल कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फोन नंबर कोई आरजी फोन नंबर आप किसी का भी एंटर कर सकते हो। कंट्री मैं यूएस को सेलेक्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी का कोई भी कंट्री इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट तो मैं यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। योर स्टेट, तो स्टेट में कोई भी इसमें से आप अपनी मर्जी का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इसमें कर लेता हूँ फ्लोरिडा। और नीचे वाले जो हमारे पास मजीद एक ऑप्शन, चूज योर, तो गेटिंग स्टार्टिंग ट्रिक और इसमें से नो और मजीद कुछ नीचे आ जाते हैं और इसमें से यस और सबमिट का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो हमने अभी अपना ईमेल चेक कर देना है, तो मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारे पास अभी सेकंड मेल आएगा, लेकिन ये सेकंड वाला मेल तकरीबन कोई 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आता है, तो आप लोगों ने इसके लिए वेट कर देना। और कभी कभी ये जल्दी आता है, तो आप लोगों ने इसके लिए वेट कर देना है, मैं भी वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास सेकंड मेल आ चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसमें चेक कर लेते हैं हमें कोड मिला होगा। सो यू आर अप फॉर द चैलेंज। अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और ये आप लोग देख रहे हो योर यूनिक एक्सेस कोड, तो हमारे पास ये कोड है, मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, और नीचे क्लेम योर ऑफर ये बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो हमने भी ये फ्री क्रेडिट लेना है, तो ये ओपन हो रहा है, तो ये कोड हमने इस खाने में पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी में कर लेता हूँ और इसको अब हम सबमिट करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ट्रैक्टर, तो करेक्टर वाले पिक्चर में सेलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी ट्रैक्टर वाले पिक्चर है, और वेरीफाई के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इधर सबमिट का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो सबमिट के बटन में क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है राइट साइड में, मैं इस अकाउंट को दोबारा साइन इन करूंगा, लॉग इन करूंगा, तो इधर से वही ईमेल एड्रेस और नीचे मैं अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ और साइन इन के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो हमारा अकाउंट दोबारा साइन इन हो चुका है, इसके मैं नेवर कर लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा कुछ क्रेडिट हमें मिला है कि नहीं। सो आप लोग देख रहे हो हमें 9 क्रेडिट मिला है अभी। सो इसको हम फिर मंथली सब्सक्रिप्शन में भी चेंज कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे। सो अब हमने इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक मेल हमारे पास एक लेब है जो कि 2 घंटा 30 मिनट चलेगा, तो उस लेब को हमने अभी रन करना है, तो इसके लिए दरमियान में हमारे पास ऊपर ये कैटलॉग का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और नीचे हमारे पास ये सर्च बार है, इसमें मैं उसका नाम टाइप कर लेता हूँ लेब का। क्लासिफाइंग, तो ये नीचे इसमें एक लिंक है, ये लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये 2 सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। और मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, तो ऊपर वाला हमारे पास जो लिंक है क्लासिफाइंग इमेज ऑफ क्लाउड्स इन द क्लाउड्स विद ऑटो एमएल विजन, सो ये 2 घंटा 30 मिनट चलेगा और इसका क्रेडिट 5 क्रेडिट हमसे काटेगा, ठीक है। और नीचे वाले हमारे पास सेकंड लेब है, तो वो 2 घंटा चलेगा और 7 क्रेडिट काटेगा, तो हमने 2.5 घंटे वाले ये लेब रन करना है, तो मैं ये ऊपर वाले जो लिंक है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और अब हमारे पास लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट लेब का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और हम इस लेब को रन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आई एम नॉट अबाउट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और ब्रिज, तो हमारे पास ये ब्रिज के जितने पिक्चर है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेरीफाई के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दिस लेब कॉस्ट इज 5 क्रेडिट, 9 क्रेडिट अवेलेबल, हमारे पास 9 क्रेडिट है, लॉन्च विद 5 क्रेडिट, इसके बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और हमें आप लोग देख रहे हो यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिल चुका है, तो मैं इधर से यूजर नेम को कॉपी कर लेता हूँ और इधर
हमारे पास ये ऑप्शन है ओपन गूगल कंसोल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो ईमेल हमारे पास आ चुका है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और वापस अपने लैब में जाके, तो इधर ये पासवर्ड भी मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से साइन इन वाले आने में वापस आके, तो इधर मैं ये पासवर्ड पेस्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और आप लोग देख रहे हो वेलकम टू योर न्यू अकाउंट, तो एक्सेप्ट का ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसमें अब हमें इसमें लेब और आरडीपी क्रिएट करनी है। तो ये पेज अभी लोड हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हो इसमें से हमें एक फ्री सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए भी मिल सकता है। वो सब्सक्राइब हम किस तरह ले सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। हमारे ये चैनल है और हमने इधर साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है अपने चैनल में। तो जो हमारा ये लैब का यूजर नेम और पासवर्ड है, हम ये ऑलरेडी साइन इन है हमारे कंप्यूटर में, तो ये अब हमारे इस चैनल में भी लॉग इन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो, सो ये इधर भी साइन इन हो चुका है। तो अब मैंने इसमें से एक सब्सक्राइब लेना है, तो मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और बेल आइकन को भी ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरह आप लोग अगर ये आरडीपी और ये लेब क्रिएट करते हो तो एक सब्सक्राइब आप लोग फ्री में हासिल कर सकते हो। इसको मैंने अभी लेब को रन करना है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है गूगल क्लाउड फॉर्म, वेलकम स्टूडेंट कंट्री पाकिस्तान में, पाकिस्तान को चूज करूंगा और नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड में कंपोर्ट इंजन का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने अपना माउस थोड़ी देर के लिए रुकना है और साथ में एक और कुछ ऑप्शन हमें शो हो रही है, तो इसमें सबसे टॉप में वीएम इंस्टेंट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास क्रिएट इंस्टेंट का ऑप्शन ऊपर भी है और नीचे भी हमारे पास क्रिएट इंस्टेंट का ऑप्शन है, किसी एक को आप क्लिक कर ले, मैं नीचे वाले को क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट इंस्टेंट पे। तो ये कुछ डिटेल हमारे पास आ चुकी है, नेम इंस्टेंट वन और नीचे रीजन, तो रीजन आप लोग चेंज भी कर सकते हो। इसमें अभी ये अमेरिकन, तो इधर बहुत से सिटी अवेलेबल है और फिर यूरोप, यूरोप में भी कुछ सिटी अवेलेबल है, कुछ स्टेट अवेलेबल है और एशिया में भी कुछ स्टेट अवेलेबल है। आप लोग देख रहे हो ये कुछ कंट्री इन्होंने दी है, सो आप अमेरिका में भी कुछ सिटी और कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह, नीचे यूरोप में भी इस तरह और एशिया में भी। तो मैं इसमें से ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करूंगा या नीचे ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न को सेलेक्ट करूंगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्जी का कोई इसमें से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये सीरीज है, इसमें से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो इनमें से E2 तो N2 कर लेता हूँ और कुछ स्क्रॉल डाउन करके, तो मशीन टाइप है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ऊपर वाला कस्टमाइज ऑप्शन है कस्टम। तो कोर, कोर हमारे पास ये 80 कोर तक सीपीयू हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने मैक्सिमम 4 कोर तक इसको रखना है, इससे ज्यादा हम सीपीयू को सेलेक्ट नहीं करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 4 कोर तक आप लोगों ने सीपीयू को सेलेक्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं, वरना फिर आप लोग का लैब सही तरह रन नहीं होगा। और नीचे एक्सटेंड मेमोरी का ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और 640 GB का हमें इसमें रैम मिला है। मैं मजीद स्क्रोल डाउन कर लेता हूँ और इसमें से हमारे पास ये बूट डिस्क ऑप्शन है और इसके नीचे हमारे पास चेंज का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमने विंडो ये RDP बनानी है, तो मैं विंडो सर्वर को सेलेक्ट करूंगा, सबसे नीचे ऑप्शन है। और वर्जन में इसमें से आप लोग अपनी मर्जी का 2012, 2016, 2019 मजीद इसमें कुछ ये वर्जन अवेलेबल है। मैं विंडो सर्वर 2019 को इधर सेलेक्ट कर लेता हूं, और अगर आप लोग को स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप इधर से ज्यादा स्पेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, मजीद कुछ स्क्रोल डाउन आऊंगा और क्रिएट का ऑप्शन है, तो क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारी RDP अभी क्रिएट हो रही है।
इंस्टेंट रन हो रहा है, तो हम इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो हमारा इंस्टेंट और आरडीपी क्रिएट हो चुकी है। अब इसका हमने आईपी एड्रेस कॉपी करना है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। तो इसके नीचे एक ऑप्शन है कॉपी का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास किसी नोटपैड में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इसको सेव कर ले। और ये आरडीपी का ऑप्शन है, आरडीपी, और इसके साथ ये तीर का निशान है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेट विंडो पासवर्ड, तो हमें भी पासवर्ड और यूजर नेम की भी जरूरत है, तो आप इधर अपनी मर्जी का कोई यूजर नेम टाइप कर ले। मैंने यूजर नेम टाइप कर लिया, अपनी मर्जी का कोई भी यूजर नेम आप लोग टाइप कर सकते हो। और सेट के ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। और जो हमें अभी पासवर्ड मिलेगा उसको भी हमने कॉपी करके तो सेव कर देना है। दोबारा हम जब लॉगिन करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। यह हमारा पासवर्ड है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, और इसको भी नोटपैड पे मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद ये हमारे पास जो आईपी एड्रेस है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे हमारे पास ये सर्च बार है, इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो इसमें मैं आईपी एड्रेस को पेस्ट कर लेता हूँ। इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसमें, और कनेक्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जो हमारे पास पासवर्ड है इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, यूजर नेम सॉरी, और इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। और पासवर्ड जो हमारे पास है मैं इसको भी इधर से कॉपी करके तो इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। रिमेम्बर मी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओके पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो इधर मैं ये टिक कर लेता हूँ और यस पे मैं क्लिक कर लूंगा। तो ये हमारा अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो हमारा डीपी क्रिएट हो चुकी है और रन पोजीशन में आ चुकी है। इसमें कुछ सेटिंग है जो कि आप लोगों ने करना है, अगर आप लोग ये सेटिंग नहीं करोगे तो फिर आप लोग कनेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह आप लोगों ने नो पे कर क्लिक करना है, इसको आप लोगों ने क्लोज कर देना है, और लेफ्ट साइड में लोकल सर्वर है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। और इसके बाद इधर हमारे पास ये ऑन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसको ऑफ कर देना है। यह सेट का आप लोगों ने करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, वरना आप लोग का इसमें नेट नहीं चलेगा। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और इधर से मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ, और इधर भी आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है, ओके कर देना है। और यह मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और इधर मैं टाइप कर लेता हूँ सर्च बार में गूगल गूगल क्रोम, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। और सर्च में हमारे पास ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, तो क्योंकि हमारे पास इसमें कोई ब्राउजर नहीं है, तो मैं एक ब्राउजर इसमें अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम ब्राउजर को हम डाउनलोड कर लेते हैं, और इधर से डाउनलोड क्रोम के ऑप्शन है सेंटर में, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और अगर आप लोग के पास ये टाइम रहता है तो आप डाउनलोड क्रोम मैन्युअली भी क्लिक कर लेते हैं। और नीचे हमारे पास रन का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ इधर से, और इधर से यस पे क्लिक कर लूंगा। तो हमारा जो ये डाउनलोड है, फर्स्ट ये इंटरनेट कनेक्ट अभी हो रहा है, इसके बाद ये डाउनलोड होगा, और फिर इसके बाद ये अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट। अगर आप लोग सिंपल कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करोगे तो 5 से 10 मिनट तकरीबन ये लेगा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी अच्छी है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, आप लोग देख रहे हो। और क्रोम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी मैं आप लोग का इसकी स्पीड दिखाता हूँ fast.com, और इसकी लोकेशन भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ माई आईपी, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न हमारा जो हमने सेलेक्ट किया वही है, और स्पीड इसकी तकरीबन अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म हो रहा है, तो स्पीड भी कंफर्म हो जाएगा 1.6। मैंने आप लोग को 1.1, 1.2 GB बताया था, लेकिन इसकी उससे भी ज़्यादा स्पीड हमें मिली है। तो अब हम इसमें यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब.com,
और SRDP में यह हासियत होती है, अगर मैं अपना चैनल पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सर्च कर लेते हैं, RDP में यह हासियत होती है कि जब आप इसको रन कर लेते हो और अपने RDP को क्लोज कर लेते हो, अपने लैपटॉप को भी शट डाउन कर लेते हो, फिर आप 1 घंटे बाद आते हो, उसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हो, तो ये आप लोग को उस तरह रन पोजीशन में मिलेगी। तो मैं अपनी एक वीडियो इसको प्ले कर लेता हूँ और आप लोग देख रहे हो, ये मेरी वीडियो है, प्ले हो चुकी है। अभी हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग को दिखा दो इसको, आप लोगों ने किस तरह फिर से कनेक्ट करना है। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा, और इधर आप लोगों ने अभी दोबारा इंस्टेंट क्रिएट करना है। एक हमारा रन हो चुका है, तो आप लोगों ने MB इंस्टेंट, VM इंस्टेंट, आप लोगों ने इसके सामने 3 डॉट है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और नीचे क्रिएट इंस्टेंट है, तो हम अभी दूसरा इंस्टेंट इसमें क्रिएट करेंगे। तो इस तरह आप सेम तरीकाकार है जो मैंने ये पहले में बताया था, वही सेम तरीकाकार आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये इंस्टेंट टू और सेम तरीकाकार है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने दोबारा भी इसको किस तरह रिकनेक्ट करना है, RDP आप लोगों ने फिर से टाइप कर देना है सर्च बार में, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और इधर से आप लोगों ने कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर ये आप लोगों से यूजर ने पासवर्ड मांगे तो आप लोग के पास नोटपेड पे अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो उधर से टाइप करके, तो लॉग इन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी रिमेम्बर मी पे क्लिक किया था, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं दोबारा कनेक्ट हो चुका है, और आपको दिखाता हूँ मैंने जो वीडियो रन किया था वो भी अभी रनिंग पोजीशन में है। आप लोग देख रहे हो बिल्कुल वही रनिंग पोजीशन में है। तो इस तरह आप लोग भी RTP क्रिएट करके इसमें 2 3 4 5 इंस्टेंट एक साथ रन कर सकते हो, जब तक आप लोग का 2.5 घंटा खत्म नहीं होता, उसके अंदर अंदर आप लोगों ने जितने भी इंस्टेंट रन कर सकते हो तो आप रन कर ले, ठीक है। तो ये RTP क्रिएट करने का तरीका था। सो अगर आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप लोग को मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।